हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल की पांच पोटैटो डिश की जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जिस प्रकार से इंडिया के अंदर आलू का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, हर घर में आपको आलू के रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी या डिशेस उनके घर में हमेशा ही बनती हैं, पूरे साल भर बनती है, उसी प्रकार से कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर भी आलू का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग अगर फ्रेंच कुजीन की बात करें तो वहाँ पर जो हमारा कोर्स होता है, जिसको कि हम लोग लेग्यूम्स बोलते हैं, वेजिटेबल कोर्स बोलते हैं, उसके अंदर स्पेसिफिकली हमारी आलू की बहुत सारी डिश आती है। या फिर अगर आप कहीं पे ट्रायल देने भी जाएंगे और आप एक मेन कोर्स बना रहे हैं तो वहां पे स्टार्स के अंदर आपको आलू भी ऐड करना पड़ता है। तो आलू की ये डिशेस हैं, आप लोग अपने जो ट्रायल्स पे भी यूज कर सकते हो। वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप कॉन्टी के शेफ हो तो हमारी एक ऐप है आईचम गुरुकुल, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप चाहें तो बहुत सारी जो हमारी बुक्स हैं, हमारे प्रोग्राम्स हैं कॉन्टिनेंटल कुजीन से रिलेटेड, वो सारे के सारे परचेज कर सकते हैं। तो वेट किस बात का है, जल्दी से जाइए। यहाँ पे मैं जो सबसे पहले डिश ले रहा हूँ वो है मेरी बेग पटैटो। बेग पटैटो में क्या होता है, हमारे जो मीडियम साइज़ के पटैटो होते हैं होल, उन्हें अच्छे से धो लिया जाता है। उसके बाद उन्हें हल्का सा मैरिनेट किया जाता है सॉल्ट से, जो हमारे क्रश पेपर्स हो गया, हर्ब से, कहीं पे आप लोग गार्लिक भी यूज़ करते हो, और उसके बाद आप उसको ओवन के अंदर रोस्ट करने के लिए छोड़ देते हो, या कहीं कहीं पे सेम प्रकार के मैरिनेशन के बाद उनके ऊपर सिल्वर फॉइल लगाई जाती है और उनको सैलामेंडर के अंदर रख दिया जाता है या फिर ओवन के अंदर रख दिया जाता है, जिससे कि वो कुक हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग आग के अंदर, इंडिया में आग के अंदर आलू पकाते हैं, सेम उसी प्रकार से रोस्ट पोटैटो होता है। अब इस रोस्ट पोटैटो को पकने के बाद आप चाहें तो किसी एक मेन कोर्स के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर इसको भी एज अ मेन कोर्स भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर जो हमारे बेक बीन्स है वो डाल के सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो सावर क्रीम, ठीक है, और ऊपर से चॉप्ड पार्सले, चॉप्ड चाय भी डाल के आप लोग सर्व कर सकते हैं, बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। दूसरी यहाँ पे जो डिश है वो है हमारा सैलड, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पोटैटो सैलड, या फिर वर्ल्ड नोन हमारा जर्मन पोटैटो सैलड। इसके अंदर हमारे पोटैटो के डाइसेस काट लिए जाते हैं, उन्हें अच्छे से सीजनिंग के साथ ब्लांच कर लिया जाता है और एक ड्रेसिंग बनाई जाती है ऑयल के साथ, ठीक है। हमारे सैलड्स उसमें डाले जाते हैं, पार्सले उसके अंदर हमारा ऐड होता है, ठीक है, और भी जैसे कि मेरे कैपर्स वगैरह ऐड होते हैं, और एक अच्छा खासा एक रिच सैलड बनाया जाता है। और सबसे खास इसके ऊपर हमारा जो बेकन के टिट्स होते हैं, बिल्कुल छोटे, रोस्ट करके क्रंची क्रंची, वो डाल के सर्व किए जाते हैं। और ये जो जर्मन पोटैटो सैलड है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अगर आप फाइव स्टार होटल में जाएंगे तो आपको जो ये जर्मन पोटैटो सैलड हर कहीं बुफे के अंदर जरूर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो मैं तीसरी डिश ले रहा हूँ वो है मेरे फॉन्डेंट पोटैटो। आप लोगों ने टर्न पोटैटो सुना होगा, बट फ्रेंच के अंदर हमारे इस प्रकार से राउंडल्स काट लिए जाते हैं, पिक्चर्स भी यहाँ आ रही होगी, और उन पोटैटोस को कम्प्लीटली कुक किया जाता है बटर के अंदर एक हैवी बॉटम थिक पैन में, धीरे धीरे करके पूरा का पूरा जो आलू होता है वो अंदर से कुक हो जाता है, और बटर के कारण बाहर पे बहुत अच्छी क्रिस्पनेस आती है और देखने में बहुत ही सुनहरा लगता है। यहाँ पे बटर के अंदर और भी कई सारी हर्ब्स, गार्लिक वगैरह ऐड करी जाती है समय समय पर, ताकि उसका भी फ्लेवर हमारे आलू के अंदर चला जाए और समा जाए और खाने में ज़्यादा और भी ज़्यादा वो वहाँ पे फ्लेवरफुल हो जाए। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं वो है हमारा मैश पोटैटो। मैश पोटैटो अगर मैं बोलें तो मेरा फेवरेट है। मैश पोटैटो के ढेर सारे वेरिएशन आते हैं, चाहे गार्लिक हो, चाहे हर्ब्स हो, ठीक है, इवन पैप्रिका हो, स्पेनेच हो, बहुत सारे हम लोग यहाँ पे जो मैश पोटैटो के वेरिएशन बना सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आलू को बॉयल किया जाता है और उसे अच्छे से मैश किया जाता है, और मैश करने के बाद उसमें सीजनिंग मिलाई जाती है, सॉल्ट होता है, पेपर होता है, क्रीम और बटर, और ये भी एक तरीके से जैसे हमारी क्रीम होती है वो फ्लफ़ी हो जाती है, उसी प्रकार से अगर आप अच्छे से हमारे जो मैश पोटैटो को बीट करोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा फूल जाता है और देखने में और खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब है। और मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट होते हैं, अगर कहीं पे भी वो मेन कोर्स दे रहे हैं तो वहाँ पे एज अ अकम्पनीमेंट मैक्सिमम तौर पे हमारा मैश पोटैटो ही आप लोग देते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है, बट इसमें आपको जो सीजनिंग का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, और कोशिश कीजिएगा जब भी आप बना रहे तो हल्का सा नटमैग जरूर ऐड कीजिएगा, जो कि आपके मैश पोटैटो के फ्लेवर को और उसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। सबसे लास्ट डिश पे हम लोग आ गए हैं, जो कि है मेरी रोस्टी पोटैटो, जिसको कि मैं हैश ब्राउन पोटैटो भी बोलता हूँ। आजकल मैक्सिमम होटल पे ये क्या होती है, रेडीमेड मिलती है, आप लोग सिर्फ ट्राइंगल या जो सर्कल्स होते हैं उसको फ्राई कर देते हैं, बट एक्चुअल में अगर इसको आपको बनाना चाहते हो तो आपको जो बड़े वाले आलू होते हैं उनको
क्या करना पड़ता है, हाफ डन बॉईल करना होता है और उसके बाद उसको कद्दूकस या ग्रेट करना होता है। इसके लच्छे बन जाएंगे आपके आलू के और उसके अंदर आपको डालनी पड़ती है सीजनिंग, सॉल्ट हो गया, पेपर हो गया, नटमेग हो गया और हर्ब्स हो गया, और उसके बाद उसको हल्के हाथों से मिक्स करना होता है। आप यहाँ पे चाहें तो अगर आप नॉनवेज यूज़ करना चाहें, जैसे कि हमारे बेकन के जो टिटबिट्स हो गए वो भी यूज़ कर सकते हैं, अंडा भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अंडे से क्या होता है, जो हमारा जो ये आलू का मिक्सचर होता है वो आपस में मिक्स हो जाता है और उसके बाद आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो, या आप सेम ही आप उसको हॉट प्लेट पे अच्छे से ब्राउन करके क्रिस्प करके सर्व कर सकते हो ब्रेकफास्ट के अंदर। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स द्वारा बताइएगा कि किस प्रकार की वीडियोज़ आपको और चाहिए, टॉपिक्स जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।